जय श्री कृष्ण। वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल काठियावाड़ी वघारेला रोटलो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये दो बाजरी की रोटी ली हुई है। मैंने बाजरी की रोटी का वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। हमने बाजरी की रोटी के छोटे छोटे पीस कर तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 1.5 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 1/2 टीस्पून सरसों डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। सरसों और जीरा दोनों अच्छे से तड़क गए हैं। अब हम इसमें एक मीडियम साइज की प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, वो डाल देंगे। प्याज को तेल में अच्छे से भून लेंगे। प्याज गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 6 कली लहसुन की बारीक कटी हुई डालेंगे, इसे भी तेल में भून लेंगे। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, एक मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ डालेंगे, इसे भी तेल में अच्छे से भून लेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 3/4 कप दही डाल देंगे। दही को कंटिन्यूसली चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पिंच गरम मसाला डाल देंगे। ग्रेवी अच्छे से उबल गई है और उसका तेल है वो भी ऊपर आने लगा है। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल देंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे पीस की हुई बाजरी की रोटी है वो ऐड कर देंगे। इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम रोटी को 2 मिनट तक अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। अभी हमारा काठियावाड़ी वघारेला रोटलो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे।